नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अब न्यूज अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट वैकेंसीज की जो रहेंगी आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स की और अदर वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, इसके फॉर्म जो भरे जाएंगे 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 30 जून 2023 5 PM रहेगी मंगलवार। यहाँ पे आप देख सकते हो द पोस्ट आर फॉर द न्यू अपकमिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला में वैकेंसीज आई हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वैकेंसीज रहेंगी दोस्तों, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देख सकते हो 16 वैकेंसीज है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। यहाँ पे अगर बात कर ली जाए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की PG डिग्री इन आयुर्वेदा में मांगी गई है, इन कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज अंडर IMCC एक्ट 1970। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पे स्केल देख सकते हो, और इसमें एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अकाउंटेंट की यहाँ पे बात कर ली जाए तो आप देखोगे एक पोस्ट है जो अनरिजर्व है। यहाँ पे BCOM मांगी गई है, 3 साल एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप एज रहेगी 40 साल से इसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल ऑफिसर की, 2 पोस्ट है अनरिजर्व की। यहाँ पे MD MS डिग्री इन आयुर्वेदा में मांगी गई है इन एनी डिसिप्लिन। तो यहाँ पे आप एज 40 साल से ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज की नर्सिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पे एक पोस्ट है दोस्तों अनरिजर्व की है। यहाँ पे क्या मांगा गया, क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, BSc ऑनर्स इन नर्सिंग या BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आपकी, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो आपके पास, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ्स विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर पाओगे। आगे बात कर लेते हैं, इसमें एक क्वालिफिकेशन पार्ट बी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे BSc नर्सिंग आयुष फ्रॉम एन आयुष रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। अब यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट नंबर 2, रजिस्टर्ड इन द रिस्पेक्टिव स्टेट / इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल से। यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद अगर ये सी पॉइंट में आप देखोगे, अगर आपके पास GNM का डिप्लोमा है आपका तब भी अप्लाई कर सकते हो। आप रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 25 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर बात कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे डी पॉइंट पे आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में, अगर आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग में एंड फार्मेसी ऑफ आयुष में है एंड रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट में आप है इंडियन आयुष नर्सिंग काउंसिल से, और साथ में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस इन 25 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। एज की बात कर लिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे स्केल इसका 44,900 से ये 1,22,400 पे लेवल 7 रहेगा। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट की भी एक पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए, रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, या डिप्लोमा इन फार्मेसी वी फार्मा आयुर्वेदा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। पे लेवल इसमें आप देख सकते हो लेवल 5 रहेगा, 29,200 से 92,300। एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक पोस्ट है डेपुटेशन बेसिस पे है, मेट्रोन की एक पोस्ट है डेपुटेशन बेसिस पे है। और दोस्तों आपको बता दें इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।